क्या बात है, क्यों है परेशान? पता चल जाएगा उस लड़की का, बहुत छोटी सी दुनिया है सुल्तान। वैसे मुझे हैरत इस बात की है कि राशिद अपनी पूरी फैमिली को लेकर दुबई गया कैसे? वहां सेटल होने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। अरे यार, मैंने रिश्वत के तौर पर उसे बहुत भारी मुआवजा दिया था, इसीलिए बाहर सेटल हो गया वो। इन्हीं पैसों की वजह से तो उसने अपना मुंह भी बंद रखा, वरना तुमने जो नगीन के साथ किया था ना, तुम्हें एक्सपोज करने में मीडिया पर ज्यादा टाइम नहीं लगा था वो। बस एक बार वो मेरे सामने आ गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसके सामने आ जाने से? तुम्हें उससे माफी मांगने की बेचैनी है या उसे देखने की? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत? तुम्हारे चेहरे की ये परेशानी, ये बेचैनी, ये तबीयत में इस्तराब, जगह जगह उसे इस तरीके से ढूंढना, क्या है ये सब? मैं नहीं जानता कि क्या है। अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ अपने गांव और भाभी को घर लेकर वापस आ जाओ। यार मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मुझे कहीं नहीं जाना। जब तू जान चुका है कि वो ये मुल्क छोड़कर जा चुकी है, तो उसे इस तरीके से जगह जगह ढूंढने से क्या फायदा है? वो कहीं नहीं गई है, वो इसी मुल्क में है और मैं उसे ढूंढ भी लूंगा। तुझे जाना है ना, तू जा सकता है। किस कर्फ से गुजर रहा हूं ये तुम सोच भी नहीं सकते। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा यहां से। यू आर कंप्लीटली क्रेजी सुल्तान, और तुम्हारे इस पागलपन का यही वाहिद हल है कि तुम भाभी को गांव जाओ, घर लेकर आ जाओ प्लीज। अम्मी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने मेरे एचआर डिपार्टमेंट में फोन करके नगीन के बारे में पूछा? हाँ भाई, अच्छा किया जो वक्त पे मैंने फोन करके मालूमात ले ली, वरना तुम तो उस मशकूक लड़की को बिना छानबीन के ही शादी करके घर लाना चाहते थे। मशकूक लड़की? क्या मतलब है मशकूक लड़की? हाँ भाई, मशकूक ही हुई ना, जो ये कहे कि पूरी दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, तो जाहिर है मशकूक हुई। मैंने तो उसकी खानदान की मालूमात के लिए फोन किया था, पता ये चला कि उसका तो पूरी दुनिया में कोई वाली वारिस, कोई रिश्तेदार ही नहीं है। ऐसी लड़की से तुम शादी करना चाहते हो जो कि वाकई ही लावारिस है। अम्मी वो यतीम है, उसकी माँ की डेथ हो गई थी, उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, ये सब बातें तो मैं आपको बता चुका हूँ ना। यतीम नहीं, लावारिस कहो। लावारिस होते हैं ऐसे जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, यतीमों का तो फिर भी कोई चाचा ताया होता है, कोई वाली वारिस होता है। इसका तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है एक बहन के सिवा, उसने भी घर से बाहर निकाल दिया, तभी तो हॉस्टल्स में धक्के खाती फिर रही है। तुम्हें मालूम है पूरे 2 महीने किसी दारुल अमान में रही है वो, और अभी भी किसी सस्ते से होटल में रिहाइश पजीर है। तो क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं क्या जवाब दूंगी खानदान वालों को जब वो बहू के बारे में पूछेंगे, उसके खानदान और नस्ल के बारे में पूछेंगे? मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं एक बेसहारा और यतीम और लावारिस को अपने खानदान की बहू बना लूं और अपनी नस्ल भी खराब कर लूं। अम्मी खानदान की नस्ल मर्द से चलती है, आप नहीं जानती ये सब बातें? जब मेरी औलाद होगी तो उन्हें मेरे नाम से पहचाना जाएगा ना, उसके नाम से तो नहीं। और वैसे भी जब नगीन का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा तो वो हमारे हवाले से पहचानी जाएगी ना, माशरा तो उसको मेरी बीवी की नजर से देखेगा। तुमने तो कसम खा रखी है हाल में उस लड़की को ब्याह के लाने की। पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया तुम्हारे ऊपर कि ना तो तुम्हें अपने नाम की फिक्र है और ना ही खानदान की। एक ही बेटे हो मेरे तो, पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने, कैसी बहू ब्याह के लाऊंगी, वैसी बहू ब्याह के लाऊंगी, इसलिए तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि तुम अपनी मनमानियां करते फिरो। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए, मैं करूंगा अपनी मनमानी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का मामला है, किसी के साथ जिंदगी मैंने गुजारनी है, तो इसके फैसले का इख्तियार मैं किसी और को क्यों दूं? आपको भी नहीं दे रहा इस फैसले का इख्तियार। शादी के लिए इनकार नहीं किया मैंने, बस सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। एक महीना हो गया तुम्हें सोचते हुए नगीन, और कितना वक्त लोगी? रोजाना दफ्तर में 8-8 घंटे तुम लोग साथ गुजारते हो, तुम्हें अभी भी उसकी समझ नहीं आई? एक दफा मेरी उससे फोन पर बात हुई, 5 मिनट नहीं लगे मुझे उससे समझने में,
बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे साथ सिंसेयर है, प्यार करता है तुम्हें। और तुम्हें क्या चाहिए नगीन? भूल जाओ मासी, हर मर्द सुल्तान दुरानी नहीं होता नगीन। आप उसका जिक्र बीच में मत लाएं। मैं भी यही चाहती हूँ कि उसका जिक्र हमारे बीच में कभी भी ना आए। भूल जाओ अपने भयानक माजी को और एक नई जिंदगी शुरू करो। मैं अपनी नई जिंदगी का आगाज झूठ से नहीं कर सकती। अगर आप चाहती हैं कि मैं हारून से शादी करूं तो मैं उसे अपने माजी के बारे में सब कुछ सच बताऊंगी। इससे क्या होगा? मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा कि मैं उसे धोखा नहीं दे रही। तुम उसे धोखा नहीं दे रही नकी। क्या बताओगी, क्या बताओगी हारून को कि सुल्तान दुरानी जैसे हाई प्रोफाइल बंदे के साथ तुम्हारा अफेयर था और शादी का धोखा दे के तुम्हें वो खुद ही अगवा करके ले गया? पता नहीं कैसे शकूक व शुभात आएंगे उसके दिल। और अगर उसे कहीं और से पता चल गया तो? वो बात पुरानी हो गई है नगीन, उसे सब भूल चुके हैं। सुल्तान को थप्पड़ मारने वाली वीडियो में तुम्हारा चेहरा क्लियर था ही नहीं, किसी को नहीं पता चले। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल है और शादी का फैसला करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। जैसे तुम्हारी मर्जी।